हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अरहान एंटरटेनमेंट। यार जेनिफर लोपेज की मूवीज आप लोग क्यों देखते हो वो मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मुझे पता है कि लेकिन आज हम लोग बात करेंगे ऐसे सीरियल किलर पर बनाई गई मूवी जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी रेयर है, यानी कि इस तरह की मूवी दोबारा से नहीं बनी, या तो अगर बनी भी होगी तो मैंने नहीं देखा हो। ये मूवी खास इसलिए हो जाती क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट यूनिक है, लेकिन जो इसका डायरेक्टर है वो इंडियन है, तरसीम सिंह। और अगर आप लोगों ने तरसीम सिंह का नाम नहीं सुना तो मैं आपको बता दूं कि ये कोई पहली मूवी नहीं जो उन्होंने डायरेक्ट किया है, इन्होंने उसके अलावा और भी ज़्यादा मूवीज़ बना चुके हैं, लेकिन ये साथ साथ वहाँ के बड़े एक्टर्स के साथ भी काम कर चुके हैं, जैसे कि हेनरी केवल जो कि सुपरमैन का रोल प्ले करते हैं, उनके साथ भी उन्होंने एक मूवी बनाई थी इमोर्टल, जो कि विजुअली आप लोग देखो तो बहुत ही ज़्यादा स्टनिंग थी। और रैन रेनॉल्ड्स के साथ जो कि डेडपूल के कैरेक्टर प्ले करते हैं, उनके साथ भी उन्होंने एक मूवी बनाई थी जो भी ठीक ठाक थी। तो तरसीम सिंह को आप लोग हल्के में मत लेना। खैर अब हम लोग ज़्यादा नहीं करते, हम लोग बात करेंगे इस पर्टिकुलर मूवी की, जो कि शुरुआत होती है एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट कैटरीन ड्रेन से, जिसको हायर किया एक तरह का वर्चुअल रियलिटी एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करने के लिए। अब बेसिकली इस एक्सपेरिमेंट में होता यह है कि जो पेशेंट कोमा में गया होता है उसके ब्रेन को कनेक्ट करते हैं कैटरीन के ब्रेन से, और कैटरीन फिर उसके सबकॉन्शियस माइंड में जाकर उस बंदे को जगाने की कोशिश करती है। कैटरीन का फर्स्ट पेशेंट होता है एडवर्ड, जिस पर वो तकरीबन 7 महीनों से काम कर रही है, और इस एक्सपेरिमेंट में अच्छा खासा पैसा लगता है, तो इसलिए एडवर्ड के फादर जो कि एक बिलियनर है वो इस पूरे प्रोग्राम में अपने पैसे लगाते हैं। खैर दूसरी तरफ हमें नजर आता है एक किलर जिसका नाम है कार्ल स्टारगर, जो कि अपने विक्टिम्स को पानी में डुबा के मारता है। अब इसके पीछे कार्ल की भी एक अपना डार्क साइड जो कि आपको इस मूवी में आगे देखने को मिलता है। खैर अब कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब कार्ल स्टारगर अपने अगले विक्टिम को पकड़ता है और उसको वही जगह पर लेके जाता है जहाँ पर वो हर एक लड़की को टॉर्चर करता है, लेकिन पुलिस को पता चल जाता है कि इन सारी चीज़ों के पीछे स्टारगर है। तो पुलिस स्टारगर को तो पकड़ लेती है, लेकिन उस लड़की के बारे में मालूम नहीं कर पाते जिसको स्टारगर ने छुपा के रखा था जहाँ पर वो उसको टॉर्चर करने वाला होता था। तो अब ऐसे में पुलिस को किसी भी हाल में ये पता लगाना है कि बस स्टारगर ने अपने उस विक्टिम को रखा कहाँ पे। लेकिन प्रॉब्लम ये कि स्टारगर भी कोमा में चला गया, क्योंकि इसका भी यहाँ पे एक रीज़न बताया कि स्टारगर को भी एक दिमागी बीमारी होती है जिस वजह से उसको बार बार अटैक पड़ते हैं, और इसीलिए वो टैबलेट्स खाता है। लेकिन जिस वक्त उसको अटैक पड़ा आखिरी बार, उस वक्त उसके पास वो टैबलेट्स भी नहीं थी, तो इसलिए वो कोमा में चला गया। तो अब पुलिस को पता चलता है कि एक तरह का वर्चुअल रियलिटी एक्सपेरिमेंट है जिसके थ्रू वो लोग कोमा पेशेंट को जगा सकते, तो इसलिए वो लोग कैटरीन के पास जाते हैं हेल्प के लिए। अब उसके बाद आपको यही देखना है कि कैटरीन किस तरह से उस सीरियल किलर के दिमाग में घुसती है और फिर क्या कुछ होता है, और फिर बस मैं आप लोगों को इससे ज़्यादा नहीं बता सकता, क्योंकि इसके बाद जो जो चीज़ें होती है वो एक अलग तरह का एक्सपीरियंस है जो आप लोग इस पर्टिकुलर मूवी में ही फील कर सकते हो। खैर आप बात करें इस मूवी के कैरेक्टर्स की, तो देखिए यहाँ पर आपको ज़्यादा कैरेक्टर्स तो देखने को नहीं मिले, लेकिन जो मेन कैरेक्टर स्पेशली वो सीरियल किलर कार्ल स्टारगर, उसके बारे में हमें काफ़ी कुछ चीज़ें बताई कि उसके बचपन में उसके साथ क्या कुछ हुआ था, उसके पेरेंट्स किस तरह से थे, और वो किस तरह से बड़ा हुआ, फिर उसने क्या कुछ किया, यानी कि एकदम डिटेल में और काफ़ी स्कैरी वे में उसके पूरे लाइफ जर्नी को बताया, जिस वजह से हम लोग स्टार कारगर को बहुत ही अच्छी तरह समझ पाते कि वो एक सीरियल किलर बना तो उसके पीछे की वजह क्या थी। सिनेमेटोग्राफी की बात करेंगे तो यहाँ पर जो विजुअल्स आप लोग देखते हो, यानी कि कैटरीन जब उस सीरियल किलर के दिमाग में जाती है, यहाँ पर उसने अपनी दुनिया क्रिएट करके रखी है, वो इतनी डेमोनिक लगती है, इतनी स्कैरी लगती है, आप लोग ये भूल जाते हो कि यार ये उसका दिमाग है या हम लोग हेल में आ गए, जो कि विजुअली काफ़ी टेरिफिक था। और जिस तरह से वो लोग ने सब क्रिएट किया मज़ा आ गया, VFX बहुत अच्छा लगा मुझे, यानी कि 20 साल पहले की मूवी में अगर इस लेवल का VFX हो, हालांकि हॉलीवुड वाले अपने समय से कहीं ज़्यादा आगे थे, तो यार 2000 की क्या उससे पहले की मूवीज़ में उनके VFX बहुत अच्छे हैं, तो ये कोई नई बात नहीं है, बट यार देख के मज़ा आ गया। BGM इस मूवी का बहुत अच्छा है, बहुत कड़क है, उन्हें एकदम परफेक्टली बैलेंस करता है इस पूरी मूवी को। एक्टर्स के परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पर जेनिफर लोपेज ने बहुत अच्छा काम किया, विंस वॉक जो कि यहाँ पर एक डिटेक्टिव रोल में नजर आते हैं उनका भी काम बहुत अच्छा है, वो हॉलीवुड के मेरे ख्याल से शाइनी आहूजा लगते हैं मुझे तो। और उसके अलावा जो सीरियल किलर है उस बंदे ने भी जो एक पागलपन का जो एक रोल होता है ना वो बहुत ही ब्रिलियंटली निभाया, मज़ा आ गया देख कर। ओवरऑल डायरेक्शन बहुत अच्छा है, मूवी की एडिटिंग भी बहुत अच्छी है, 1 आवर 45 मिनट में ये पूरी मूवी ख़त्म हो जाती है, ये आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में देखने को मिल जाती है। कहाँ पर टेंशन मत लो, कमेंट सेक्शन में मैं आपको लिंक दे दूँगा, वहाँ से जाके आप लोग ये मूवी डाउनलोड कर सकते हो। पेरेंटल गाइडेंस के लिए इतना ही बोलूँगा कि ये फैमिली के साथ आप लोग नहीं देख सकते, क्योंकि काफ़ी न्यूडिटी के सीन्स है इसके अंदर, वॉयलेंस के तो है लेकिन साथ साथ न्यूडिटी भी है। मैं इस मूवी को रेटिंग दूंगा 7 out of 10, डेफिनेटली इट्स अ रेयरेस्ट मूवी जो कि मैंने देखा हो, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी देखो, एक अलग तरह का
एक्सपीरियंस होगा। तो यार बस इस वीडियो में इतने, आई होप आपको छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक करो, नहीं अच्छा तो डिसलाइक करो, ज्यादा अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।